17 अक्टूबर को अमीर चंद कन्या मध्य विद्यालय रेल रोड आरा में बीएलओ संघर्ष मोर्चा जिला भोजपुर के बैनर तले शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्ति करने हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्म कुमार राम और संचालन उमा शंकर प्रसाद ने की। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में बीएलओ कार्य नहीं करेंगे एवं यदि सरकार और विभाग नहीं मानती तो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय पटना में अपील करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारी मांगों को रखा गया जिसमें शिक्षकों से जबरन बीएलओ कार्य कराना बंद करने, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराने बंद करने, साथ ही अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रेस वार्ता में उमेश पंडित, राजेश कुमार, विनय प्रताप सिंह, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, जागेश्वर नाथ, मनोज कुमार सिंह, केदारनाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज बीएलओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रेस वार्ता इस उद्देश्य से रखा गया है कि विगत कई वर्षों से शिक्षक बीएलओ कार्य से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, पदाधिकारियों की कुभाजन का शिकार हो रहे हैं। तो बीएलओ कार्य से मुक्ति के लिए आज शिक्षक प्रेस वार्ता रखे हुए हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग इस कार्य को करते आ रहे हैं। इस कार्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर हमला हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका पर कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से बच्चे वंचित हो रहे हैं। बच्चों के शैक्षिक अधिकार पर हमला हो रहा है और बच्चों के शैक्षिक अधिकार को बचाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 27 का अनुपालन के लिए इसका अक्षरशः हम अनुपालन करें, इसके लिए बीएलओ कार्य से मुक्ति के लिए हम प्रेस वार्ता कार्यक्रम आज आयोजित किए हुए हैं। इसके द्वारा क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग ये है, साफ सुथरी हमारा डिमांड है। साफ सुथरी डिमांड का सार तत्व है, इसका निष्कर्ष है, आशय है कि शिक्षकों को बीएलओ कार्य से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और इसके बदले में जिला पदाधिकारी महोदय जी के पास बहुत सारा हैंड्स है, उनके पंचायत सचिव हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज के शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं, जीविका दीदी हैं, ममता बहन हैं, आशा हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम तरह के कर्मियों से वह बीएलओ का कार्य ले, शिक्षकों से इस कार्य से मुक्ति मिल जाए, शिक्षकों को मुक्त किया जाए, इसलिए प्रेस वार्ता आयोजित है। इस संबंध में बहुत सारे प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस है हम लोगों के पास। जिस प्रावधान के तहत, जिस फंडामेंटल राइट के तहत हमारा यह मांग कहीं से काटने योग्य नहीं है, वह न्याय उचित है, न्याय संगत है और उस फंडामेंटल राइट के तहत हम अपनी मांग को सरकार के सामने और संबंधित पदाधिकारियों के सामने रख रहे हैं और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी हम अपनी आवाज़ को वहां पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा ये ग्रीवांस है, हमारा ये डिमांड है, हमारा यह मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के तहत हम शिक्षकों से जबरन गैर शैक्षणिक कार्य को नहीं करवाया जा सकता है और बीएलओ कार्य गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इससे हमें मुक्ति चाहिए। हमको स्वतंत्र रूप से जो हमारी जिम्मेवारी है, जिसके लिए हमको बहाल किया गया है, जिसके लिए हमारी नियुक्ति हुई है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करवाया जाए और बच्चों में के जो मूलभूत शिक्षा है उस उद्देश्य की प्राप्ति करवाया जाए और शैक्षिक अधिकार है बच्चों का, उस अधिकार को बचाया जाए। बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेवारी हम शिक्षकों की है, न कि गैर शैक्षणिक कार्य करने की। और यहाँ यह कहा जाता है कि शिक्षक 9 बजे के पहले और 4 बजे के बाद इस काम को करे, तो यहाँ भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है। चूँकि हमारी जो जिम्मेवारी है, जो
समय अवधि में हमें बांधा गया है, विद्यालय के जो समय अवधि है 9 से 4 वहाँ हम रह करके अपनी कार्य को करना चाह रहे हैं। बी ए लोकार्ज को किसी भी परिस्थिति में हम नहीं करेंगे। अपने परिचय दें। धर्म कुमार राम, बी ए लो, भाग संख्या 4, विधानसभा संख्या 194, आरा भोजपुर।